हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे 6-6 पोर्टल की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में 6-6 पोर्टल का इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है, साथ ही साथ ओवरऑल इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊंगी कि 6-6 पोर्टल होता क्या है। 6 नंबर जो है ये वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और 6-6 पोर्टल की एनर्जी में आप कह सकते हैं हारमोनी, बैलेंस क्रिएट होना, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलना, पीस ऑफ माइंड आपको अगर लव से मिलता है तो यहाँ पर लव से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आना। पोर्टल का इफ़ेक्ट पॉजिटिव भी पड़ता है, नेगेटिव भी पड़ता है। अगर पोर्टल गेटवेज की एनर्जी में आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि यू आर इन अ राइट पाथ। अगर आपके साथ पोर्टल गेटवेज में क्लैरिटी आपको मिल रही है और आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें घटित हो रही हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें घटित होनी थी इसलिए हो रही हैं। सो पोर्टल आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आने के लिए होते हैं। तो देखते हैं कि पोर्टल 6-6 पोर्टल की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं ओवरऑल। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। एम्परर विद 4 of Cups, डेथ, Six of Wands, King of Wands एंड 10 of Cups। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स, ऐसा नज़र आ रहा है ऊपर जो रो है उसमें 444 की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन पर 6-6 पोर्टल का इफ़ेक्ट वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। पहला इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ईगो पर किसी तरह का डैमेज हो सकता है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, अथॉरिटी अपने डिसीजंस में रखते हैं, या घमंड है किसी बात का, या हमेशा एक रूड बिहेवियर करना आपके साथ दूसरों के साथ, तो यहाँ पर आपको नोटिसेबल चेंजेस दिखेंगे। आपके पर्सन के ईगो में पूरी तरह से गिरावट आएगी। इनको ऐसा लगेगा जैसे कि ईगो किसको दिखाऊं, मेरा ईगो कोई सहने वाला बचा ही नहीं, मैंने सबको अपनी लाइफ से दूर कर दिया। तो ये इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने अपनी गलतियों के कारण बहुत चीज़ें ख़राब कर ली हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चेंज आपको दिखेगा इस 6-6 पोर्टल की वाइब्स में वो है सक्सेस। आपके पर्सन जो हैं ये सक्सेस अचीव करेंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी लाइफ के इवेंट में, चाहे करियर की बात कर लें, चाहे लव लाइफ की बात कर लें, अगर आपके साथ मैरिड है मैरिड लाइफ की बात कर लें, कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखेगा और सक्सेसफुल डिसीजंस ये ले सकते हैं जिससे कि आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आए। थर्ड, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो इनको आपकी क्रेविंग होगी क्योंकि वीनस की एनर्जी है। इनको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ पिक होगा, इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको देखना है। इस तरह की वाइब्स इनके अंदर, एक एनर्जी ऐसी होगी कि मुझे उससे दूर नहीं रहना, मुझे वो पर्सन चाहिए किसी भी हालत में। फोर्थ चेंज आपको नज़र आएगा कि इनके बिहेवियर में ये काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में आएंगे। इनका ईगो ध्वस्त होगा, आपकी कमी फील होगी, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होगा, सक्सेस की भावना जागेगी, और सक्सेस तभी मिलेगी जब इनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसके बाद होगा पैशनेट रोमांटिक यूनियन। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन भी होने के चांसेस हैं इस 6-6 पोर्टल के बाद। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने मिलेंगे आपके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों के पर्सन इस पोर्टल की एनर्जी में आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कॉल्स या तो आ रहे होंगे या आने वाले हैं।
देखते हैं इमीडिएटली आपकी तरफ एक्शन क्या नज़र आएगा, आपको किस तरीके का एक्शन आपको देखने मिलेगा आपके पर्सन की तरफ से। अथॉरिटी अगेन 444, देखिए इसके पहले जो कार्ड्स लिए थे उसमें भी 444 से रीडिंग की शुरुआत हुई थी, यहाँ भी 444 आया है, ये बहुत रेयर होता है। फोर नंबर यहाँ राहु का है, राहु का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा इस वक्त पे। राहु मीन राशि में है और मीन राशि में रहेंगे अगले साल तक। यहाँ पर मैं बता दूँ कि राहु का जो इफ़ेक्ट है ये बहुत प्रॉपरली आपके और आपके पर्सन की एनर्जी पर दिखेगा। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है, राहु आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर एक्शन दिलवाता है। तो आपके पर्सन कुछ ज़िद में आकर अपने हार्ट की सुनेंगे, आपको लेकर पॉजेसिव होंगे और कुछ बड़े डिसीजंस यहाँ हो सकते हैं। सबसे पहले तो इमोशनली विड्रॉ करेंगे उन लोगों से जो लोग आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, और यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। सो ये जो एनर्जी है 66 पोर्टल की, ये कम से कम 6 दिन के अंदर की वाइब्स हैं, क्योंकि कोई भी पोर्टल गेटवेज का असर कम से कम 6 दिन रहता है। और जितना आप समझ सकते हैं कि जितना इनके अंदर गुस्सा था ना पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी फैमिली या इनकी फैमिली या कोई अदर पर्सन की तरफ से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये उन सब की भड़ास निकालेंगे। इनका गुस्सा बहुत पीक पर हो सकता है, ईगो डैमेज होने के पहले बहुत पीक पर जाता है और फिर ध्वस्त होता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि राइट डिसीजन भी हो सकते हैं, रॉन्ग डिसीजन भी हो सकते हैं। इनको रियलाइज़ होने में डिपेंड करता है कि इनका सबकॉन्शियस कितना एक्टिव है। अगर आपके पर्सन एक्टिव हैं, आपने मेडिटेशन किया है, आपने अपने ब्लॉकेजेस को हील किया है, आपका पर्सन मेच्योरली सोच रहा है, तो ये इस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल सकता है या निकल सकती है विदाउट एनी डैमेज, पीसफुल रिजोल्यूशन के थ्रू। बट अगर ये ईगो में होंगे तो ये अपनी पावर का यूज़ करके ध्वस्त करेंगे उन सिचुएशंस को। मतलब एक तरह से आपको ऐसी खबरें आ सकती हैं कि आपके पार्टनर ने घर में बवाल कर दिया, या आपके पार्टनर ने घर में सब कुछ बता दिया और अब उसके घर वाले आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर ने अपना दिल खोल कर रख दिया। अगर फैमिली ने अगेंस्ट किया कि फैमिली नहीं मान रही या जो भी अदर सिचुएशन है वो नहीं मान रही, तो ये सीधा मतलब ब्रेकअप की एनर्जी, अगर मैरिड है तो डिवोर्स की एनर्जी, इस तरह की वाइब्स है। इमोशनली उनसे बिल्कुल डिटैच हो जाना, घर छोड़ देना, इस तरह की एनर्जी आपको सुनने मिल सकती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की अगर शादी की बात चल रही है, अरेंज मैरिज की बात चल रही है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ इनकी मैरिज फिक्स हो या उसको ही बता दे कि यार मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ ताकि तुम पीछे हट जाओ। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं 66 पोर्टल के आसपास। प्लस ये भी सुनाई दे सकता है कि अगर आपका पर्सन बैलेंस में है तो ये ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, कहीं ना कहीं इनको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है, इनकी अबंडेंस, इनकी करियर में बहुत सडन ग्रोथ हो सकती है, इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, बहुत ही रोमांटिक माहौल इनके आसपास रहेगा, इनको ऐसा लगेगा कि यार मेरा भी कपल हो, मैं भी अपने पार्टनर के साथ हूँ, आपकी कमी फील होगी, इस तरह की सिचुएशन इनके आसपास क्रिएट हो जाएगी। किसी कपल को देखकर इन्हें लगेगा कि मुझे भी बात करनी है, मुझे भी मेरा लाइफ को सुधारना है, अपने लव लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो ये वाली वाइब्स है गाइस। तो आपके लिए कमिंग 4 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। पोर्टल गेटवेज की एनर्जी जितना पोर्टल है, जैसे 6 पोर्टल है, 6 की, तो 6 डेज कम से कम उसकी एनर्जी आपको हैंडल करनी होती है। अगर सिचुएशन पॉजिटिव है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सिचुएशन नेगेटिवली ट्रिगर कर रही है तो आपको बैलेंस्ड वे में उस सिचुएशन को हैंडल करना है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या कोई गाइडेड मैसेज है आपके लिए। पहला मैसेज है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व करते हो, या आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा और भूल चुका है, आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं आ रहा उसकी तरफ से, डिटैच योरसेल्फ।
ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को डिटैच करना है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, नो कॉन्टैक्ट में डाल दीजिए, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हो। जैसे आप अगर जॉब करते हो तो उसमें अपने शिद्दत से काम करो, घर पे आ रहे हो इंजॉय करो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, सो जाओ, मंत्र सुनो, अपना कोई क्रिएटिव टैलेंट को बाहर निकालो। उनको कम से कम अगर आप एनर्जी देते हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप दे भी रहे हो, आप उनको शो मत करो, उनको ये मत दिखाओ कि आप उनको स्पाई कर रहे हो, उनको ये मत दिखाओ कि आप उनके लिए तरस रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, कुछ मत करो। देखो कि उनको कोई फ़र्क भी पड़ता है आपके दूर रहने से या कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रैटिट्यूड शो करो, जो भी आपको आंसर मिलेगा उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो। सच्चाई आपके सामने आ रही है। अगर किसी की गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए। आपके पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर हो गए, आपके कोई फ्रेंड हो गए जिन्होंने आपको मुश्किल दौर में गाइड किया है। काइंडनेस, अपने काम पर लगे रहो। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, पेट्स के लिए, जानवरों के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, काउ के लिए, बर्ड्स के लिए, या किसी नीडी पीपल के लिए, अगर आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो तो उस काम पर अपना लगे रहो। फोकस करो अपनी लाइफ को, अपनी सोल के खुशी के लिए आपको जो पसंद आ रहा है उस पर टिके रहो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे और आपको ऐसा लगे कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। साथ ही साथ अपनी खुशी को चूज़ करो। अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते में आप हो लेकिन ना होने के बराबर है, या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या सब कुछ एफर्ट वन साइडेड है, तो अपनी दिल की सुनो। आपका दिल क्या चाहता है? क्या फिर भी वो उसी रिश्ते में रहना चाहता है? बिंदास रहो। अगर आपका दिल कहता है नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप एनी मोर, आप मूव ऑन करो। कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड से रिश्ता चलता है, दो पहिए हैं। अगर सब कुछ एक ही पहिया ढो रहा है तो ये पहिया बहुत ज़्यादा देर तक नहीं ढो पाएगा, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो सब कुछ दोनों तरफ से होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। तो इस चीज़ का भी आपको रिश्ते में ध्यान रखना है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।